हिट फिल्मों का डायरेक्शन करने वाली बॉर्डर फेम जेपी दत्ता ने अपने से 13 साल छोटी तलाकशुदा एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से भागकर शादी की थी। उन्होंने अपनी लाइफ में 10 फिल्मों को डायरेक्शन किया। जेपी ने 1976 में अपनी पहली फिल्म सरहद का डायरेक्शन किया था। हालांकि ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई। जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी की मुलाकात दत्ता की पहली फिल्म सरहद के सेट पे हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर अफेयर। पहले से शादीशुदा थी बिंदिया। उनकी पहली शादी विनोद मेहरा से हुई थी। दरअसल विनोद ने मां के दबाव में आकर मीना ब्रोकर से अरेंज मैरिज की थी। कुछ टाइम बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और बाद में अपनी को स्टार बिंदिया से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। ऐसे में शादीशुदा होने के बावजूद विनोद का न सिर्फ अफेयर बिंदिया से रहा, बल्कि उन्होंने पहली पत्नी को बिना तलाक दिए शादी भी रचा ली थी। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ 4 साल चला और फिर दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद बिंदिया और जेपी दत्ता एक दूसरे के करीब आए। दोनों ने अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया, लेकिन बिंदिया की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी। ऐसे में बिंदिया ने भागकर शादी 1985 में कर ली। एक इंटरव्यू में बिंदिया ने बताया था, हम दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। वो मुश्किल से बात करते हैं और मैं हर टाइम बोलते रहती हूँ। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मुझे बाहर जाना घूमना पसंद है, वो घर पर ही बैठना पसंद करते हैं। दोनों की दो बेटियां निधि और सिद्धि हैं।